हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू हेलो अध्यापक। अपने लास्ट वीडियो में हमने जो है ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे एस्टिमेशन वाले। आज हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर एक और टॉपिक रह गया है हमारा, सब टॉपिक गेम्स एंड विनिंग स्ट्रेटेजीज। इसमें आपको कुछ गेम्स दिए गए हैं और आपसे ये पूछा गया कि बताइए इन गेम्स को कैसे खेलना है और इनकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए जीतने के लिए। ऐसा ही एक फेमस गेम यहाँ पर दे रखा है, इस गेम का नाम है 21। अब इस गेम का रूल क्या है कि इसको जो खिलाड़ी खेलेंगे, जैसे अगर आप और मैं खेल रहे हैं तो आप सिर्फ 1, 2 और 3 यूज़ कर सकते हैं, मैं भी सिर्फ 1, 2 और 3 यूज़ कर सकता हूँ। इसके अलावा हमें और कोई नंबर यूज़ नहीं करना है। और खेलना ऐसे है कि अगर आप शुरू कर रहे हो और आप बोल रहे हो 2, तो अब इस 2 को 2 में मैं 1, 2 या 3 कोई भी प्लस करके और फिर वापस नंबर आपको दे दूंगा। जैसे आपने बोला 2 तो मैं उसमें 3 प्लस कर दूंगा, तो 2 और 3 5, तो मैंने 5 आपको दे दिया। अब आप उस 5 में 1, 2 या 3 प्लस करेंगे, और जैसे आपने 1 कर दिया तो फिर 5 + 1 6 हो गया, तो फिर वो आप 6 मुझे दे देंगे, फिर उस 6 में मैं 1, 2, 3 में से कोई प्लस करूंगा। अब गेम ये है कि जो खिलाड़ी सबसे पहले 21 पे पहुंच जाएगा वो जीत जाएगा। तो अब इस गेम को जीतने की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो हमें बताना है। तो देखो, इस गेम को जीतने की स्ट्रेटेजी ये है, इस गेम को जीतने का जो फंडा है वो है 17 का खतरा। अब आप बोलोगे 17 का खतरा क्या है? देखिए, आप क्या करोगे, जब आपकी बारी आए तब आपको लास्ट टाइम पर जो वर्ड जो नंबर बनाना है वो बनाना है 17। जैसे आप और मैं खेल रहे हैं, मैंने कोई भी नंबर बोला, मैंने सपोज कीजिए मैंने बोला 15, तो अब आप क्या करोगे, उस 15 में 2 प्लस करके 17 बोल दो। उससे क्या होगा, अब 17 के बाद अगर मैं कुछ भी बोलूंगा, या तो 1 बोलूंगा या 2 बोलूंगा या 3 बोलूंगा, है ना। अब मैं इनमें से कोई भी नंबर बोल दूं, 17 और 1 कितना हो जाएगा 18, 17 और 2 कितना हो जाएगा 19, 17 और 3 कितना हो जाएगा 20, तो आपके लिए 21 बनाना आसान हो जाएगा। अगर मैं 1 बोलता हूं तो 17 और 1 18 हो गए, तो आपको क्या करना है इसमें, आपको इसमें सिर्फ 3 प्लस करना है और आप जीत गए। अगर मैं बोलता हूँ 2 तो 17 और 2 कितने हो गए 19, तो फिर आपको 2 जोड़ना है, आप 21 पहुंच गए। अगर मैं बोलता हूँ 3 तो 17 और 3 20 हो गए, अब आपको 1 बोलना है, 21 तक पहुंच गए। तो बेसिकली जब आपको जीतना है तो आपको आखिरी सेकंड आखिरी बार जो बोलना है वो बोलना है 17 17, तो उसके बाद वो 1 प्लस करे 2 प्लस करे या 3 प्लस करे आप आसानी से जीत जाओगे। इसी तरीके से एक गेम और है जिसमें जो खिलाड़ी है वो 1 से लेकर 10 तक बोल सकते हैं, और जो 99 पर पहुंचेगा वो जीत जाएगा। तो इसकी स्ट्रेटेजी क्या है, आपको जो सबसे आखिरी बार बोलना है जीतने से पहले वो नंबर आपको पहुंचना चाहिए 88, 88 तक आपको पहुंचना है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि 1 से लेके 10 तक हमें बोलना है, तो अगर आप 88 पे छोड़ दोगे और अगर वो सबसे बड़ा नंबर भी बोलेगा 10, तो भी वो कहां तक पहुंचेगा 98 तक, और आपको 98 को 99 बनाने में क्या है, सिर्फ 1 जोड़ना है। अगर वो 1 बोलता है तो आप जैसे 88 आपने बोलकर छोड़ दिया, अब उसने क्या बोला है, उसने बोला 1, 1 बोल दिया तो कितना हो गया 89। अगर 89 हो गया तो उसमें आप कितने प्लस करोगे, सीधा 10 प्लस करोगे तो 99 पहुंच जाएगा। तो ये 88 वाला जो नंबर है ये मैजिक नंबर है, यहाँ पर आप पहुंच कर छोड़ कर बोल कर छोड़ दो कि भाई 88 मैंने बना दिया, अब तू चाहे 1 बोल चाहे 10 बोल, जीतना मुझे ही है। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। उसके बाद हम फिगर इट आउट वाले क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं, क्वेश्चन जो हमारी टेक्स्ट बुक में गिवन है, आइए इनको देखते। देर इज ओनली वन सुपर सेल नंबर ग्रेटर देन ऑल नेबरिंग ऑल इट्स नेबर इन दिस ग्रेड। यहाँ पर देखिए एक ही सुपर सेल है, यह है 62,871। इफ यू एक्सचेंज टू डिजिट्स ऑफ वन ऑफ द नंबर्स देयर विल बी 4 सुपर सेल्स। अब ये कह रहा है कि अगर आप यहाँ पर जितने भी नंबर हैं इनमें से कोई एक नंबर लेके अगर उसके 2 डिजिट्स आप इधर उधर कर दोगे तो एक की बजाय चार चार जो है सुपर सेल हो जाएंगे। आइए देखते हैं कैसे, आइए इसको बोर्ड पे समझते हैं। अब जैसे यहाँ पर ये वही वाला मैंने उठा के यहाँ रख दिया, अब मैं क्या करूंगा, ये जो नंबर है इसमें मैं इस 1 को यहां पर ले आऊंगा और 6 को यहां पर ले जाऊंगा, तो नंबर क्या बनेगा मेरा, यहां पर आ जाएगा 1, 2, 8, 7, 6। अब उससे क्या होगा, उससे ये होगा, देखो जो नंबर 62,000 था उसके में हमने क्या किया, यहां पर उठा के 6 को यहां रख दिया और 1 को यहां रख दिया, तो अब ये नंबर हो गया 12,876। पर इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये हुआ कि अब आप इस नंबर को देखो 39,344, इससे भी बड़ा, इससे भी बड़ा, इससे भी बड़ा, सभी नेबरिंग से बड़ा हो गया, तो ये सुपर सेल हो गया। आप इसकी बात करो 45,000, इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है, तो ये इस तरीके से ये जो 4 नंबर आपके बन रहे हैं ये चारों ही सुपर सेल बन गए हैं सिर्फ
हमने क्या किया, 6 की जगह 1 रख दिया और 1 की जगह 6 रख दिया। तो इस तरीके से हमारा 4 सुपर सेल निकल कर आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाउ मेनी राउंड्स डज ईयर योर ईयर ऑफ बर्थ टेक टू रीच कापरेकर कॉन्स्टेंट। मतलब सवाल ये है कि हमें कापरेकर कॉन्स्टेंट तक पहुंचना है और आपके डेट ऑफ बर्थ के ईयर से पहुंचना है। तो अभी अगर आप क्लास 6th में हो तो मेरे हिसाब से आप लोगों के डेट ऑफ ईयर, लगभग मैक्सिमम लोगों का जो डेट ऑफ बर्थ का जो ईयर है वो मेरे हिसाब से 2013 होना चाहिए। हो सकता है कुछ एक का 2012 हो या 2014 हो, पर जनरली मैक्सिमम स्टूडेंट्स का 2013 के आसपास होना चाहिए। तो हम 2013 को मानकर चलेंगे। हम क्यों 2001, 2005, 2000 की बात करेंगे, हम आपके डेट ऑफ बर्थ की बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमने क्या लिया, 2013, इसको हम सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे, लार्जेस्ट, तो वो क्या बनेगा, 3210। आई होप आपको ये तो पता ही है। स्मॉलेस्ट कैसा बनेगा, 0 यहाँ, 1 2 3, ठीक है, या फिर आप सिर्फ 1 2 3 भी लिख सकते हो, लेकिन क्योंकि 4 डिजिट की बात हो रही है इसलिए यहाँ पर 0 लगाकर मैं दिखा रहा हूँ। अब आपने क्या किया, ग्रेटेस्ट में से स्मॉलेस्ट को माइनस कर दिया, कितना आया, 3087। अब इसका भी बड़ा बनाएंगे तो वो क्या बनेगा, 8730, तो ये बन गया 8730। और छोटा बनाएंगे तो वो क्या बनेगा, 0378, इनको माइनस किया कितना आया, 8352। अब इसका बड़ा बनाएंगे तो इसका बड़ा क्या बनेगा, 8532, सबसे बिगेस्ट 8532, और स्मॉलेस्ट क्या बनेगा, 2358, 2358 बन गया। और हमारा मैजिक नंबर कापरेकर कांस्टेंट आ गया। तो इसका मतलब है अगर आप 2013 में बॉर्न हो तो आपको 3 राउंड लगेंगे कापरेकर कांस्टेंट तक पहुंचने में। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो ऐसा करते हैं, ये सारे क्वेश्चंस उठा के अपन बोर्ड पे लिख लेते हैं और फिर वहीं पे डिस्कस कर लेंगे। तो पहुंच गए हम बोर्ड पर, यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, वी आर ग्रुप ऑफ 5 डिजिट नंबर्स बिटवीन 35,000 एंड 75,000। मतलब 35,000 और 75,000 के बीच के हैं हम नंबर, ठीक है, 5 डिजिट नंबर है सारे, सच दैट ऑल ऑफ अवर डिजिट्स आर ऑड। अब 5 डिजिट का नंबर है, 35,000 से और 75,000 के बीच के नंबर है। कुछ क्वेश्चंस इन्होंने हमसे पूछे, सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा ग्रुप में, उसके बाद सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा ग्रुप में, और 50,000 के पास सबसे जो नंबर है कौन सा होगा। तो जो सबसे छोटा होगा, अब वो 35,000 से तो बड़ा होगा पहली बात तो ये, क्योंकि सारे नंबर 35,000 और उसके बीच के। तो अब देखो इससे बड़ा क्या होगा, ये तो ऑड है, ये भी ऑड है। अब इन 0 0 0 की जगह हमें एक ऑड नंबर लिखना है, ताकि, और वो सबसे छोटा ऑड नंबर होना चाहिए। तो सबसे छोटा ऑड नंबर क्या है, आप बताओ, वेरी गुड, सबसे छोटा नंबर है, ऑड नंबर है 1। तो हम क्या करेंगे, 0 0 0 की जगह 1 1 1 लिख देंगे। अब आप पूछोगे सर 0 इवन होता है क्या, नहीं, 0 एक ऐसा नंबर है जो ना तो इवन है ना ही ऑड है। तो आपका सबसे छोटा नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 35111। यहाँ तक समझ में आ गया, ये 5 डिजिट नंबर हो गया। अब दूसरा सवाल है कि पहला पहले वाले को कर लेते हैं, व्हिच इज द लार्जेस्ट नंबर। अब लार्जेस्ट नंबर जो है वो 75,000 से छोटा होना चाहिए, लेकिन 75,000 के बिल्कुल पास होना चाहिए। अच्छा जी, अब इसमें ट्रिक क्या है, देखो 7 तो ऑड है और 5 भी ऑड है। अब आप बोलोगे सर हम ऐसे लिख देते हैं 7511, हो गया खेल, नहीं, वो जो नंबर है वो 75,000 से छोटा होना चाहिए, लेकिन ये तो 75,000 से बड़ा हो गया, क्योंकि ये तो 75,111 हो गया, राइट। तो अब हमें क्या करना है, हमें 5 की जगह कोई और नंबर यूज करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर ऐसा कर लेते हैं 74111, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि 4 तो ऑड नंबर है ही नहीं, 4 तो इवन नंबर है। तो इसका मतलब है अब हमें क्या करना पड़ेगा, 4 की जगह लेना पड़ेगा 373। चलो जी ये तो सेट हो गए। अब इनकी जगह हमें बड़ा बड़ा सबसे बड़ा नंबर बनाना है, लार्जेस्ट। तो लार्जेस्ट ऑड नंबर कौन सा होता है बताओ, लार्जेस्ट ऑड नंबर होता है सबसे बड़ा 9। तो आपका जो सबसे बड़ा नंबर बनेगा जो 75,000 के पास होगा वो होगा 73,999। अब एक सवाल है, हु अमंग अस इज क्लोजेस्ट टू 50,000। 50,000 के पास होना चाहिए, तो ये जरूरी नहीं है कि वो छोटा हो या बड़ा हो, 50,000 के पास होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे दो नंबर लिखता हूँ, सपोज करो एक ये नंबर लिख दिया मैंने 49,999, ठीक है। आप बोलोगे सर ये तो बिल्कुल 50,000 के पास आ गया, क्योंकि सिर्फ एक ही नंबर का डिफरेंस है दोनों में। लेकिन आप एक चीज भूल रहे हो,
सबसे पहली जो चीज है वो ये है कि सारे डिजिट्स ऑड होने चाहिए, और यहाँ पर 4 है ना, तो इसका मतलब है ये नंबर तो नहीं आ सकता। और अगर हम इससे थोड़ा सा आगे चलें, अगर हम इन सभी नंबर्स की जगह, ठीक है, 111 लिख दे, तो 5111111, तो मेरे हिसाब से यही वो नंबर होगा जो सबसे ज्यादा पास होगा 50,000 के, क्योंकि अगर आप इस 4 को हटा के यहाँ पे 3 भी लिखोगे तो ये 39,999 हो गया। तो यहाँ पर कितना गैप हो गया आप देख लो। तो इन दोनों के बीच जो नंबर का डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 10,001, लेकिन इनके बीच में आ रहा है सिर्फ 1,111। तो मुझे लगता है यही जो नंबर है सबसे ज्यादा पास होगा, तो इसका सॉल्यूशन आप इस तरीके से लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं वो क्या है। एस्टिमेट द नंबर ऑफ हॉलीडेज यू गेट इन अ ईयर इंक्लूडिंग वीकेंड्स, फेस्टिवल्स, वेकेशन, देन ट्राई टू गेट एन एग्जैक्ट नंबर एंड सी हाउ क्लोज योर एस्टिमेट इज। अब ये जो क्वेश्चन है ये डिपेंड करता है आप कौन से स्कूल में हो, क्योंकि कुछ स्कूलों में छुट्टियां ज़्यादा मिलती हैं, कुछ स्कूलों में छुट्टियां ना के बराबर मिलती हैं, कुछ जगहों पर जो समर वेकेशन है वो 50 डेज का होता है, कुछ पे 40 डेज का होता है, कुछ में सिर्फ 10 डेज का होता है, वहाँ विंटर वेकेशन ज़्यादा लंबा होता है। तो ये क्वेश्चन तो एक्चुअली डिपेंड करता है आपके स्कूल पे, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने एक केवी का एग्जाम्पल लिया है, केंद्रीय विद्यालय का, जो कि महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र का, मुंबई का कोई एक केवी आप उठाकर देख लीजिए, तो उसमें जो लगभग जो आएगा उसका मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। तो जैसे मैंने कोई एक ले लिया केवी महाराष्ट्र में, अब 2024-25 का जो हॉलीडे का शेड्यूल है वो कुछ इस तरीके से है। समर वेकेशन कितना है जी? 50 डेज का। ऑटम ब्रेक कितना है जी? 10 डेज का। उसके बाद विंटर ब्रेक कितना है? 10 डेज का। तो 70 डेज की हॉलीडेज तो यहाँ हो गई। इसके अलावा वहाँ पर ब्रेक्स हो सकते हैं, नेशनल हॉलीडेज हो सकते हैं, 3 नेशनल हॉलीडे हैं हमारे। उसके अलावा सेकेंड सैटरडे ऑफ होता है उनका। इसके अलावा रीजनल, जैसे गणेश विसर्जन के दौरान वहाँ पर जो है बहुत सारी छुट्टियाँ होती हैं, राइट? तो इन सब चीज़ों को मिलाकर अगर आप देखोगे तो कोई अगर महाराष्ट्र का एक केवी है उसमें लगभग 110 से 120 हॉलीडेज आपको मिलेंगे। तो ये आपको देखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। राइट 15 डिजिट नंबर एंड 23 डिजिट नंबर सच दैट देयर सम इज 18,670। अब देखो, मैथ्स का काम होता है चीज़ों को आसान बनाना, चीज़ों को आसान बनाना। अब हम क्यों बिना मतलब के एक मुश्किल सा 5 डिजिट नंबर लें और मुश्किल से 3 डिजिट नंबर लें और उनको प्लस करें और फिर 18,670। उसने कहा 5 डिजिट नंबर, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कौन सा नंबर लिया। तो हम बहुत ही सिंपल से नंबर्स लेंगे, हमें सिर्फ ये बताना है 5 डिजिट होना चाहिए, 2 3 डिजिट होने चाहिए और एड जो करके 18,670 आना चाहिए। देखो मैंने क्या लिया, मैंने लिया 5 डिजिट में 18,000, और जो 3 डिजिट लिए, एक लिया 500 और पीछे कितना बचा है 670 है, तो दूसरा लिया 170, तीनों को प्लस कर दिया, बन गया 18,670, 18,000। और फिर 670 को मैंने दो में डिवाइड कर लिया, एक 500 ले लिया, एक 170 ले लिया, तीनों को प्लस किया 18,670। कीप इट सिंपल एज इट कैन बी, ठीक है? कॉम्प्लेक्स नहीं करना है हमको, बहुत आसान सी चीजें रखनी है। उसके बाद अगला सवाल है, चूज अ नंबर बिटवीन 210 से लेके 390 के बीच में, कोई एक नंबर आपको चूज करना है। क्रिएट अ नंबर पैटर्न सिमिलर टू दोज शोन इन सेक्शन 3.9। वो वहाँ पर वो था ना, एक ऐसे कॉम्प्लेक्स से फिगर्स बनी हुई थी और यहाँ पर नंबर्स लिखे हुए थे, यहाँ नंबर्स लिखे हुए थे, इस तरीके से कोई एक पैटर्न हमें बनाना है और हमें जो नंबर लेना है कोई भी एक नंबर ले सकते हैं हम 210 से लेके 390 के बीच में। तो मैंने यहाँ पर जो आपके लिए नंबर लिया है, मैंने लिया है 240, जो कि इनके बीच में ही है, ठीक है? अब 240 मैंने इसलिए लिया है क्योंकि देखो आप 24 को डिवाइड करोगे 6 से तो बहुत आसानी से आ जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर? आ जाएगा 4। तो इसी तरह अगर आप 240 लोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 40। 240 को 6 से डिवाइड करोगे तो 40 आ जाएगा। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पर लिया एक हेक्सागन, इसकी 6 साइड्स होती हैं, ये तो 6 जगह हमें 40 डालना है और उससे क्या होगा, ये 240 बन जाएगा, 40 40 40 40 40 40। तो 240 को 6 से डिवाइड किया तो हर एक जगह 40 40 आना चाहिए। यही आपको एक कोई भी ऐसा पैटर्न बना के दिखाना था। आगे बढ़ते हैं। रिकॉल द सीक्वेंस ऑफ पावर्स ऑफ टू फ्रॉम चैप्टर 1 टेबल 1। व्हाई इज द कोलैड्स कंजेक्चर करेक्ट फॉर ऑल स्टार्टिंग नंबर्स इन दिस सीक्वेंस। अब यहाँ पे क्या है, आप देखिए, पहले तो ये याद करिए कि पावर ऑफ 2 है क्या।
टू फोर एट सिक्सटीन थर्टी टू सिक्सटी फोर, ये जो है ये है आपका पावर ऑफ टू का टेबल। अब पावर ऑफ टू का मतलब टू की पावर वन इतना, ठीक है, टू की पावर टू इतना, टू की पावर थ्री इतना, टू की पावर फोर। टू की पावर फोर का मतलब है टू जो है फोर बार मल्टीप्लाई हो रहा है खुद से, टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू सिक्सटीन। तो ये बोल रहा है कि ऐसा क्यों है कि इस सीक्वेंस में आप कहीं से भी नंबर स्टार्ट करोगे तो वो हमेशा ही जो है कोलाइड कंजेक्चर पे जाकर वो एंड में वन पे फिनिश होगा। तो उसका सिंपल सा कारण ये है कि ये नंबर्स जो हैं सारे इवन नंबर्स हैं, बीच में कोई ऑड नंबर नहीं आ रहा, और जैसे ही ये हाफ होते जाएंगे हाफ होते जाएंगे, अल्टीमेटली ये पहुंच जाते हैं यहाँ पर 16 वाले केस पर। 16 का आधा एट, एट का आधा फोर, फोर का आधा टू, टू का आधा वन, और हम पहुंच गए हमारे, हमने प्रूव कर दिया कोलैप्स कंजेक्चर। जैसे मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए क्या, मैंने एट से स्टार्ट किया तो एट का आधा फोर हो गया, फोर का आधा टू हो गया, टू का आधा वन हो गया। तो आप कहीं से भी स्टार्ट करो, आप 32 से स्टार्ट करोगे तो 32 के बाद 16, 16 का आधा 8, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2 और फिर 2 का आधा 1। आप यहां से स्टार्ट करोगे तो 128 का आधा 64, फिर 32, फिर 16, 8 और इसी तरीके से ये चलता जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चेक इफ द कोलाइड्स कंजेक्चर होल्ड फॉर स्टार्टिंग फॉर द स्टार्टिंग नंबर 100। मतलब आपको 100 से स्टार्ट करना है और देखना है कि क्या कोलाइड्स कंजेक्चर जो है वो 100 नंबर के लिए लागू होता है या नहीं। तो मैंने यहाँ पर आपको करके दिया है, यहाँ देखिए 100 है तो 100 इवन है तो उसका आधा कितना हो गया 50, 50 का आधा 25। अब ये ऑड हो गया तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 1 प्लस कर देंगे, क्या नंबर बन गया 76। 76 तो इवन है, फिर इसका आधा 38, 38 का आधा 19, 19 फिर ऑड आ गया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 1 प्लस किया 58, फिर 58 आधा करेंगे क्योंकि ये इवन है तो 29, 29 ऑड आ गया, मल्टीप्लाई किया प्लस 1 किया 88 आ गया। अब 88 का आधा करो, 88 का आधा 44, 44 का आधा 22, अब 22 का आधा आ गया 11, अब 11 तो ऑड है तो फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस करेंगे, ये हो गया 34। तो फिर 34 का आधा 17, मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा 73 इज 51 और 1 52, 52 का आधा 26, 26 का आधा 13, 13 का मल्टीप्लाई करेंगे वापस से 3 के साथ और 1 प्लस करेंगे 40, 40 का आधा 20, 20 का आधा 10, यहाँ तक पहुँच गया। फिर उसके बाद 10 का आधा 5, अब 5 तो ऑड नंबर हो गया तो फिर हम 5 थ्री 15 और 1 16 करेंगे, बस यहाँ आते ही गेम खत्म है, 16 पहुँचते ही गेम खत्म है। 16 का आधा 8, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2 और 2 का आधा 1। तो इस तरीके से 100 जो है वो भी होल्ड करता है कोलैप्स कंजेक्चर को। अगला सवाल देखते हैं। स्टार्टिंग विद जीरो प्लेयर्स ऑल्टरनेट एड नंबर्स बिटवीन वन एंड थ्री, द फर्स्ट पर्सन टू रीच 22 विन्स, व्हाट इज द विनिंग स्ट्रेटेजी। तो विनिंग स्ट्रेटेजी वही है, देखिए मैंने आपको वहां समझाया था, अगर आपको 21 पहुंचना है तो आपको 17 पर खत्म करना है क्योंकि सामने वाला फिर 1 प्लस करे, 2 प्लस करे या 3 प्लस करे आप जीत जाओगे, अभी हमने डिस्कस किया। अब यहाँ पर आपका टारगेट नंबर क्या है 22, तो अगर टारगेट नंबर 22 है तो आपको पहुंचना है 18 पे, क्योंकि 18 पर पहुंचने के बाद चाहे वो 1 प्लस करे या 2 प्लस करे या 3 प्लस करे, एंड वाला नंबर आप ही बोलोगे, क्योंकि अगर आप ये करोगे तो 21 हो जाएगा, ये करोगे तो 20 हो जाएगा, ये करोगे तो 19 हो जाएगा, और 19 हो 20 हो या 21 हो, आपके पास तीनों जगह मौका है 22 बनाने का। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया हो। तो इस चैप्टर में बस इतना ही है दोस्तों, अगले किसी चैप्टर में फिर से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मम्मी पापा का कहना मानिए, और हाँ जब भी कोई दिक्कत हो तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक। ठीक है, बाय बाय, हैव फन।